वो आज मेरे लिए नहीं है, मेरे पूरे परिवार के लिए एक उम्मीद की किरण है। मैं LPG एजेंसी में काम करता हूँ, घर घर जाकर मैं सिलेंडरों की डिलीवरी करता हूँ। कभी कभार मेरे को जरूरत पड़ जाती थी, अगर वो रिंकू मुझसे कहता था पापा मैं चलूँ तो आपके साथ, है तो मेरे साथ भी गया है वो। बस उसका ध्यान नहीं लगता, बस ये कहता पापा कब काम खत्म होगा, ऐसा मुझे तो मैच खेलने जाना है, मेरे बेटा अभी थोड़ी देर रुक जाएगा, अभी चला नहीं कि पापा मेरे को जाना, बस इतना ही कहता था वो। तो हर माँ बाप को यही होता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई चीज बने। पर रिंकू को बिल्कुल पागलपन का ही सवार था कि मैं तो क्रिकेट खेलूंगा साहब। रहता है बहुत साल पहले मेरे मम्मी पापा क्रिकेट के लिए सपोर्ट नहीं करते थे, मैं 9th फेल था, मुझे लगता नहीं था मैं कुछ कर पाऊंगा अपने लिए और घर वालों के लिए। बहुत प्रेशर डालने लग गई थी मम्मी, काम करो काम करो, पैसे आएंगे घर में। जो मुझसे बड़ा भाई था तो वो कोचिंग सेंटर में काम करता था, तो मम्मी ने बोला इसके साथ जा वहाँ देख, वहाँ काम कर ले। वहाँ मैं गया तो वहाँ देखा तो मुझे पोछा जो लगता है वो लगाने की जॉब दे रहे थे, तो मुझे पसंद नहीं आई थी ये बात, पोछा लगाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब मैं वहाँ से निकला था मैं दिमाग में यही ठान ली थी कि मुझे क्रिकेट खेलना है, अपना सपना इसी में पूरा करना है, घर वालों को दिखाना है मैं कुछ कर सकता हूँ। पूरा दिन ग्राउंड पर रहता था, पूरे दिन प्रैक्टिस करता रहता था, मेरे दिमाग में यही रहता था बस, मेरा एक भी दिन ना छूटे क्रिकेट से। पिछले 10 सालों से मैं ये सपना दिख रहा हूँ और आज मुझे ऐसा लगता है मेरा सपना पूरा होते दिख रहा है।